मैं आपको ये बता रहा था कि हम ये डिस्कस करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन वो है या नहीं है, और अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन है तो फिर उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, और इसमें हम ये कहते हैं कि सपोज जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट, और आपसे पूछा जाता है कि आप ये प्रिडिक्ट करें कि यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, एंड नेक्स्ट व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात आपने ये देखी कि यहाँ पर जिंक जो है वो अकेला है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो जो भी एटम अलोन होता है, अलोन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू जिंक प्लस 2 के अंदर, तो वो जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा जी, AlCl4 के अंदर आप पूछ रही हैं कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बेटा देखो, AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 में ऑफ कोर्स जब क्लोरीन मेटल के साथ लगा हुआ होता है तो क्लोरीन वुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज इज -1, 1 क्लोरीन इनटू 4 प्लस एल्यूमिनियम आपको फाइंड कर। व्हेनेवर क्लोरीन और ब्रोमीन इज अटैच टू अ मेटल, तो फिर हम जो है वो वहां पर क्लोरीन को -1 कंसीडर कर। लेकिन अगर क्लोरीन के साथ कोई और नॉन मेटल लगा हुआ हो, जैसे ऑक्सीजन या कोई और नॉन मेटल, तो फिर हम क्लोरीन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको, थोड़ी आप आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ जिंक सल्फेट में आपको पता है कि सल्फेट का ओवरऑल चार्ज जो आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है कि सल्फेट इज 2 नेगेटिव, -2, तो अल्टीमेटली अगर सल्फेट -2 है तो जिंक जो होगा वो +2 होगा, और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर अब देखिए आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है कि 0 से ये कन्वर्ट हो रहा है +2 में, और 0 से +2 में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, 2 का चेंज आ रहा और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का साइन पॉजिटिव होता है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो आप पॉजिटिव साइन से शो करेंगे, ये है इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +2 है, और पॉजिटिव साइन इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो मैंने आपको लिखवाया था कि इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूं कि यहां पर जिंक इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म जिंक 2+ आयन, जिंक इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म जिंक 2+ आयन। होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इस डोमेन में कोई इश्यू है तो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं और एग्जांपल्स पे आता हूं। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो जिंक ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो करना चाहूं तो मैं यार इस तरह लिख सकता हूं कि जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक टू पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, बाय द लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक जो है वो कन्वर्ट हुआ है जिंक टू प्लस में, और जिंक प्लस टू जो है इसका मतलब ये है कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगली एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, और ये है कि अगली एग्जाम्पल ये है कि CrO4 टू नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू CR3 पॉजिटिव। CrO4 टू नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू CR3 पॉजिटिव। इसमें हमें डिसाइड करना है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब सवाल ये है कि CrO4 में आप किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्योंकि आपको जब तक इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं होगा तब तक आप उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। अब CrO4 2 नेगेटिव में आपको पता है कि क्रोमी ऑक्सीजन माइनस टू होता है हमेशा, और जो अननोन है यहाँ पर वो क्रोमियम। तो आप यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ओवरऑल चार्ज इज माइनस टू, वन ऑक्सीजन इज माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस क्रोमियम, और ये क्रोमियम जो है ये क्रोमियम -8 हो गया प्लस टू, और फाइनली ये क्रोमियम सॉल्व होके +6 हो जाएगा। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6। यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। और प्रोडक्ट साइड पर आप देखें तो क्रोमियम अकेला लिखा हुआ है, लेकिन क्रोमियम पर +3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्रोमियम का चार्ज 3+ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्रोमियम कन्वर्ट हो रहा है +6 से +3 में, और क्रोमियम का +6 से +3 में कन्वर्ट होना ये इंडिकेट करता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, ये +6 से +3 हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -3 है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3 है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये कहलाता है प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये कहलाता है रिडक्शन। तो यहां पर क्रोमियम कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम +6 से +3 में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आ रहा है 3 का, और चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर। अगली बात कि इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखे जाएंगे, तो आपको पता है कि रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे लिखे जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन मेंशन करना चाहते हैं, या किसी इक्वेशन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप इस हाफ इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप मेंशन करेंगे तो रिएक्टेंट साइड पे करेंगे,
और ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड हियर। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि CrO4 का Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस ऑफ रिडक्शन को, और यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है थ्री का। सर अगर इलेक्ट्रॉन लॉस लॉस होते तो फिर हम किस साइड पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन? साइड पे शो करते हैं सर, तो चार्ज माइनस थ्री आ जाएगा। चार्ज माइनस थ्री किस पर? जो प्लस सिक्स से प्लस थ्री हो रहा है तो ये चार्ज हो रहा है माइनस थ्री हो जाएगा एक तरफ जाके, क्योंकि माइनस थ्री हो रहा है। माइनस थ्री जो है वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। सही, एक मिनट सर, हम लिख रहे हैं, दो मिनट। चार्ज नहीं है ये, चार्ज नहीं है ये, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज MnO4 is converted into MnO2. अब आप इसको सॉल्व करें और बताइए कि इस केस में क्या आ रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सर O पे माइनस टू है या खाली माइनस है? MnO4 नेगेटिव है, माइनस वन है, और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू MnO2। सर पॉजिटिव वेट आएगा? नहीं पॉजिटिव सर, से करो इतनी जल्दी नहीं है। पॉजिटिव सेवन टू पॉजिटिव फोर हो रहा है सर। अब पहला तो काम आपको ये करना है कि आप जो है वो MnO4 नेगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है एंड इट इज राइट। MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सेवन है, ठीक है, और ये प्लस सेवन से MnO2 बना रहा है। MnO2 में जब आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो प्लस फोर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ये सेवन से फोर हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, और ये डिक्रीज हुआ बाय थ्री यूनिट। जब डिक्रीज हुआ बाय थ्री यूनिट, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी थ्री एंड इट शुड बी माइनस थ्री, इट शुड बी माइनस थ्री, सो इट शुड बी माइनस थ्री। और इसके बाद जो है आप अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो इट वुड बी रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन हमेशा रिएक्टेंट साइड पर मेंशन किया जाता है। तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है और इसे हमने रिएक्टेंट साइड पर मेंशन कर दिया, ठीक है जी। नाउ वी आर टेकिंग एन अदर एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है कि SnO 10 oxide is converted into 10 dioxide. अब आपको यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालना है,
और ये बताना है कि वेदर इट इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और फिर उसके बाद जो है वो आपको बताना है कि व्हाट प्रोसेस जो है, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके जी, तो कुछ आंसर्स आए हैं, देख लेते हैं। और ऑक्सीडेशन बिल्कुल ठीक है, और इसके अलावा जो है वो तो SnO है, टिन ऑक्साइड, यहाँ पर टिन प्लस टू है और SnO2 में टिन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर है, तो यहाँ प्लस टू से ये प्लस फोर में कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस टू से प्लस फोर में कन्वर्ट होने का मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब यह है कि इट इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट, और ये इंक्रीज की वजह से पॉजिटिव 2 होगा, और ये होगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा हम रिएक्टेंट साइड पर प्रोडक्ट साइड पे मेंशन करते हैं, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। एक एग्जांपल मैं और करवा रहा हूं, और वो ये है कि H2O3 2- is converted into 2SO4 2-. अब आपको यहां पर एक तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फिर ये बताना है कि ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आप शो करेंगे।
डन अच्छा बेटा, ये कुछ बच्चों ने जो आंसर किया है और वो आंसर जो किया है ये H2O3, ये थायोसल्फेट आयन है और थायोसल्फेट आयन में कुछ लोगों ने अजीब अजीब ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं। देखें, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आप निकालेंगे, -2 × 3 +2 सल्फर और ये 2 सल्फर -6 = -2 एंड 2 सल्फर = +4 और ये सल्फर = +2। 8 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो +2 आ रहा है, तो 1 सल्फर = +2 और यहां पर जब आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +6 आएगा। तो एक्चुअली जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो पर एटम निकाला जाता है। यहां पर 2 सल्फर हैं, यहां पर 2 सल्फर हैं, 1 सल्फर + 2 से कन्वर्ट हो रहा है +6 में, तो यहां पर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो 4 का आ रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम निकाला जाता है, तो 1 सल्फर का जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है ये +4 आ रहा है पर सल्फर एटम। 1 सल्फर एटम के अंदर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो +4 का आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज
फेज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। समझ नहीं आया, मैं समझना क्या था बेटा? अरे प्लस टू से प्लस सेवन ना, प्लस टू से प्लस सिक्स हो रहा है ना। यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाला है सल्फर का वो प्लस टू निकाला है, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स निकाला है, तो कितने का चेंज आया? सर हमारा प्लस सिक्स नहीं आ रहा, हमारा प्लस सेवन आ रहा है। प्लस सिक्स का मतलब बारह, हमारा प्लस सेवन आ रहा है, प्लस सेवन। आपके पास प्लस सेवन आ रहा है यहाँ पर, तो गलत आ रहा है ना सर? वो टू से मल्टीप्लाई करा दिया है, नहीं होगा, प्लस सिक्स ही आ रहा है मेरा। यहां पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इन सल्फेट आयन, ये प्लस सिक्स है, और ये कन्वर्ट हो रहा है प्लस टू से प्लस सिक्स में। ये प्लस टू से प्लस सिक्स में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो एक सल्फर का चार्ज प्लस टू है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्लस सिक्स में, तो टोटल फोर का चेंज आ रहा है। सर एक सल्फर प्लस सिक्स है ना, तो हम जब इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ट्वेल्व नहीं होगा? हमेशा इंडिविजुअल एटम की बेस पे निकाला जाता है। अब जो आप बात कर रही हैं कि अगर एक सल्फर के अंदर फोर का चेंज आ रहा है, तो टोटल चेंज जो आएगा वो एट का आएगा, क्योंकि एक सल्फर चार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा सल्फर भी चार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सल्फर चेंज हो रहा है टू से सिक्स में, और दूसरा भी टू से सिक्स में चेंज होगा। ठीक, सही कह रहा है, ठीक है जी। तो टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो एट इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, जो टोटल लॉस है। वन सल्फर फोर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सेकंड सल्फर अगेन फोर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट आ रहा है। बट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फोर है। समझ में आ गई अब ये बात? जी सर आ गई। गुड। और कोई स्टूडेंट जिसको अभी कंफ्यूजन हो कोई? तो बेटा देयर इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ये पास पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। जैसे इसमें इस तरह होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज ऑक्सीडेशन अकर्स, आप चार ऑप्शन दे दिए, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज रिडक्शन अकर, या आपको ये कहा जाएगा कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो डिफरेंट तरीकों से ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका यही होगा जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। एक इसी तरह की और एग्जांपल दे देता हूं, ताकि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट और बिल्कुल क्लियर हो जाए कि Cr2O7 नेगेटिव is converted into Cr2O3। अब आपको यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और फिर ये बताना है कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, और फिर उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आएगा।
किसी ने आंसर कुछ लोगों ने दिए हैं प्लस सिक्स टू प्लस थ्री होगा सर, रिडक्शन हो रहा है. बिल्कुल ठीक है. जब आप Cr2O7 नेगेटिव में एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इट विल बी प्लस सिक्स, और Cr2O3 में जब आप एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इट वुड बी प्लस थ्री. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पर एटम निकाला जाता है, और जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तब भी ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का कैलकुलेट किया जाता है. तो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स है और ये प्लस सिक्स से प्लस थ्री में कन्वर्ट हो रहा है. सिक्स कैसे है? इसका मतलब है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस अभी नहीं की. एक ऑक्सीजन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सेवन प्लस टू क्रोमियम, और टू क्रोमियम माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस टू, एंड टू क्रोमियम इज इक्वल टू माइनस टू प्लस 14. ये हो जाएगा 12 अपॉन टू, और एक क्रोमियम प्लस सिक्स है इसकी कैलकुलेशन के. यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स क्यों आ रहा है, ये वाले ये पर एटम निकाला जाता है. एक क्रोमियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां प्लस सिक्स है, और यहां जब आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो एक क्रोमियम का प्लस थ्री आएगा. अब ये प्लस सिक्स से प्लस थ्री में कन्वर्ट हुआ, और जब ये प्लस सिक्स से प्लस थ्री में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब यह है कि यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर थ्री का आ रहा है, और ये सिक्स से थ्री हो रहा है इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वुड बी माइनस थ्री, और इसके बाद ये रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब एक क्रोमियम तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो दो क्रोमियम जो हैं वो टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट साइड पे मेंशन किया जाता है, तो हमने रिएक्टेंट साइड पर सिक्स इलेक्ट्रॉन लिख दिया. तो ये Cr2O7 यानी ये प्लस सिक्स से प्लस थ्री हो गया, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो माइनस थ्री आ रहा है, और ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल चेंज यहां पर सिक्स का है. तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. यस सर. कोई अगर क्वेश्चन है या कोई बात क्लियर नहीं है तो पूछ. राइट जी. अब हम Another type of question पर आते हैं कि जहां पर examiner आपको equation देगा जिस तरह O level में भी होता था, और आपसे पूछा जाता था कि आप ये बताइए कि कौन सा reaction redox है और कौन सा नहीं है, तो how would you identify कि which reaction is a redox reaction, और फिर उसमें हम change in oxidation number के concept को भी साथ लेके चलेंगे. अब जैसे यहाँ zinc प्लस टू एच सी एल टू फॉर्म जेड एन सी एल टू प्लस हाइड्रोजन. अब ये इक्वेशन है और हमें ये बताना है कि वेदर, सवाल ये है कि वेदर दिस रिएक्शन इज redox or not. ये reaction जो है वो redox reaction है या नहीं है. So अब ये predict करने के लिए कि ये redox reaction है या नहीं है, और फिर आगे हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे change in oxidation number क्या आ रहा है. Okay, वजी ने कहा कि ये redox reaction है, राहीन भी कह रही हैं कि यस ये है, तो अब इन्होंने क्यों डिसाइड किया और बाकी लोगों ने क्यों डिसाइड अभी तक नहीं किया. ओके जी, अली आमिर भी कह रहे हैं और
गुड, इसका मतलब है कि लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं. यहाँ पर जिंक जीरो है. व्हेनेवर एनी एलिमेंट इज अलोन तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा. और जिंक से ये जिंक क्लोराइड हुआ, और मैं आपको बता चुका हूं कि क्लोराइड विद मेटल हमेशा नेगेटिव होता है. तो यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है. इसी तरह से HCl में क्लोराइड माइनस वन है और H प्लस वन है, और H प्लस वन से हाइड्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, और डायटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता. मतलब कोई भी एलिमेंट या डायटॉमिक मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड जब उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा तो ओवरऑल चार्ज हम जीरो कंसीडर करेंगे. तो यहां पर जिंक जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक टू पॉजिटिव. एंड व्हेन जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक टू पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. सो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी प्लस. हमेशा याद रखिएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं. तो अगर यहां पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यकीनन कोई ना कोई रिड्यूस हो रहा होगा. अच्छा, एक बात और देखिए, यहां पे Cl माइनस वन है और यहां पर भी Cl एक Cl माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू है, यानी कि क्लोराइड के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा. यहां पर भी क्लोराइड माइनस वन है और प्रोडक्ट साइड पर भी क्लोराइड माइनस वन है. यहां पर जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक टू पॉजिटिव आयन में और क्लोराइड रिमेन अनचेंज, लेकिन हाइड्रोजन प्लस वन से हाइड्रोजन जीरो हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, यहां जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, कि हाइड्रोजन प्लस वन से जीरो हो गया. इसका मतलब है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज माइनस वन. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो माइनस वन है, लेकिन यहां पर दो हाइड्रोजन है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन है. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वन है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय टू मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि वो टोटल इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए. क्योंकि आपको पता है कि एक हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन विल गेन टू इलेक्ट्रॉन. तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो आप माइनस वन कहेंगे, लेकिन ये जो मैंने टू लिखा है ये सिर्फ टोटल इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए लिखा है. क्योंकि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ दो हाइड्रोजन है तो वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. तो हाइड्रोजन इज चेंज फ्रॉम माइनस वन टू जीरो, और माइनस वन से जीरो का मतलब ये है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन, सॉरी प्लस वन से जीरो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो माइनस वन है. होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जिंक इज ऑक्सीडाइज एंड एच पॉजिटिव आयन इज रिड्यूस्ड. अच्छा, अब आपको ये बात ओ लेवल में पढ़ी हुई आपने, लेकिन यहाँ रिकॉल करवा रहा हूं कि जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो जिंक इज ऑक्सीडाइज हियर, और जब जिंक इज ऑक्सीडाइज तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है इट इज नोन टू बी अ रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट की टर्म आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में पढ़ी हुई है. रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं वाइल इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं. तो अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इस तरह के एमसीक्यूज भी पेपर में मौजूद हैं. यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट जिंक है, जिंक मेटल, जिंक सॉलिड, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होकर जिंक प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है और ये एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ H पॉजिटिव आयन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर जो रिड्यूस होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
जो रिड्यूस होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So the substance which is reduced is called oxidizing agent, and the substance which is oxidized वो कहलाता है reducing agent. Opposite होता है. Oxidize होने वाला खुद reducing agent होता है और reduce होने वाला खुद जो है वो oxidizing agent. ये equation और ये redox reaction है और इस redox reaction में आपने अंदाजा लगाया कि change in oxidation number आ रहा है. तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल होता है. सर जी सर, इसका मतलब रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों होना जरूरी है ना? दोनों में से एक भी ना तो इसका मतलब नहीं होगा. क्या कह रहे हैं बेटा आप? मैं कह रहा हूँ रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों होना जरूरी है. अगर एक भी नहीं हुआ तो फिर रिएक्शन नहीं कराएगा ना. रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है और कोई भी रिएक्शन खाली अकेला ऑक्सीडेशन या खाली अकेला रिडक्शन नहीं होता. ओके सर. ठीक है. यस सर. अब ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पर कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, और अगर है तो फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा ओके जी, कुछ आंसर्स आए हैं. ओके जी, ये कह रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन है. तो अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो अब आप करके देखिएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है. तो ये -3 से +2 हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 5 का, एंड इट शुड बी +5 बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. और यहां पर ऑक्सीजन 0 है और यहां पर ऑक्सीजन -2 है, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो 0 से -2 आ रहा है, यानी के 2 का -2 का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ये मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की, टोटल की बात नहीं कर रहा. ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपके सामने. ठीक है जी, तो अब इस पर इंशाल्लाह हम मजीद डिस्कशन जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में. कोई आपको कंफ्यूजन सर? सर, ये जो ऑक्सीजन 0 से -2 हो गया, तो -2 कैसे आ गया? एक बार भी हमने निकाला फिर इसको, और फिर इसके बाद हमने किया गया ये पहले से हमें पता है -2 चार्ज होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर. लेकिन इस तरफ तो 0 है ना, लेफ्ट साइड की तरफ से.
अच्छा आपके माइक का इशू है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, या आपके इंटरनेट का इशू है या शायद मेरी क्लास में हो जाता है, लेकिन बहरहाल ये आपकी आवाज जो है वो बहुत डिस्टॉर्टेड आती है, इसलिए समझ में नहीं आता। अभी आवाज आ रही है नहीं आ रही? मेरी साइड से जो है वो स्पीकर 100% खुला हुआ है, लेकिन आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। शायद इस वक्त आपके इंटरनेट कनेक्शन का माइट भी इशू हो, तो आप जो है वो अपना क्वेश्चन जो है मुझे व्हाट्सएप कर दें, अपने ग्रुप पे डाल दें, मैं आंसर कर देता हूं। हर एलिमेंट हमेशा, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, जब उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ओवरऑल चार्ज इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, O2 पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ओवरऑल चार्ज इज जीरो। और NO में किसी कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो वो फिर माइनस टू। हाँ मैं भी आ रहा हूं। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? यस सर। ओके फाइन, चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात।